तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो भाई यहाँ पे देखो, हमारी दो तीन पतंगों के ठड्डे टूट गए थे, मंजोली पतंगों के। अब यार पतंगे हम ख़राब भी नहीं होने दे सकते, तो देखो इनके पतंगों के मैंने ठड्डे जोड़े और भाई एक नंबर के ठड्डे जुड़ गए। अब ये पतंगे एकदम उड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोग को भी दिखा दे कि पतंग के ठड्डे आप लोग भी कैसे जोड़ सकते हो। तो देखो आगे मैंने इस वीडियो में ठड्डे जोड़ के आपको दिखाया, फिर काइट फाइटिंग करके भी दिखाया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये दो वही पतंगे हैं जिसके मैंने अभी ठड्डे जोड़े थे। तो देखो अब ये ठड्डे कैसे जोड़े। अब देखो पतंगे पूरी तरीके से इसके ठड्डे टूट चुके और अभी तो भाई ये पतंगे उड़ नहीं पाएंगी, लेकिन हमारे पास ट्रिक है जिससे कि हम इसके ठड्डे जोड़ेंगे और उसके बाद ये पतंगे भी काफ़ी अच्छी उड़ेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि इस वाली पतंग का ठड्डा मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको देखो, पहले कोई पतंग आपके पास फटी पुरानी पड़ी होगी, उसका एक ठड्डा ले लेना है आपको। और अगर आपको ठड्डा नहीं मिलता फिर आप झाड़ू की सीख से भी काम चला सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने ठड्डा ले लिया, उसके बाद देखो ज़्यादा लंबा हमें ठड्डा नहीं लेना है, इतना लंबा ठड्डा सही रहेगा। मतलब ये नहीं कि हमें पूरी पतंग में ही लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा लेना है जहाँ पे आपका ठड्डा टूटा होगा। उसके बाद देखो ऐसे आपको जैसे कन्ने बांधते हो ना, ऐसे ही आपको इसमें छेद कर लेने करीब तीन चार। अब ये ठड्डा हम ऊपर से रखेंगे और जैसे कि हम कन्ने बांधते हैं ना, वैसे ही इसे यहाँ पे बांध देंगे। तो इसके लिए देखो हमें सद्दी की ज़रूरत पड़ेगी। देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे करके निकाल देंगे और दूसरी साइड से ऐसे यहाँ से निकालेंगे। अब इसके बाद जो हमारा ये ठड्डा होगा ना, जो आपने सीख ली है दूसरी वाली, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो जल्दी से मैं इसे जोड़ के दिखा देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से दिखाता हूँ। अब आपने एक तरफ का कर दिया, अब ऐसे ही हमें दूसरी तरफ का भी, देखो यहाँ से भी हमें थोड़ी सी इधर भी लगाना पड़ेगा, वरना ये सही नहीं होगा। आपको दोनों तरफ से लगाना है। अब देखो ये काफ़ी मोटा है, अब आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं लगा देना कि आपकी पतंग काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाए और वो एकदम से ढह जाए। तो इसके लिए हम इसको ऐसे करके हाफ कर लेंगे बीच में से। अब ये मीडियम हो गया तो मीडियम ठड्डा भी इसमें लग जाएगा। इधर भी आपको सेम टू सेम वैसी प्रोसेस करना है जैसे कि उधर जोड़ा था, यहाँ पर भी जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से जोड़ दिया, पतंग देखो हमारी एकदम रेडी हो गई है उड़ाने के लिए। तो अब हम इस पतंग को उड़ाते हैं और देखो जो काइट फाइटिंग हो रही मेरी तरफ, तो वो भी करके आपको अब मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामने, देखो पतंगबाजी हो रही है और ये हमारी पतंग वो ही रही जिसका अभी हमने ठड्डा जोड़ा था। अब आप पतंग देखो कि कैसे हम अपनी पतंग उड़ाते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि ठड्डा जुड़ी हुई पतंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं भाई, ठड्डा जुड़ी हुई पतंग भी ना एक नंबर की उड़ती हैं। और कितनी बार तो मैंने ये भी देखा है कि जो क्लब काइट फाइटिंग होती है उसमें भी जो क्लब काइट फाइटर होते हैं वो कभी कभार ठड्डा जोड़ के पतंग उड़ा देते हैं, अगर वो पतंग अच्छी किसी कारीगर की है तो। तो देखो पतंग हमारी पार हो रही है, सामने पतंग उड़ रही है, तो अभी पतंग को अपनी वहीं ले जाते हैं, दिखाते हैं। अब देखो बराबर से भी मेरी पतंग है, ब्लैक कलर की पतंग पार हो रही है, आगे एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग थोड़ी नीचे उड़ रही है, वो भी आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तो पतंगें काफ़ी जाता है काटने के लिए, तो अब इनको भी काट के फिर आपको दिखाएंगे। अभी भाई ये देखो बीच में ही डाल दी इस बंदे ने पतंग और कन्नों से काट दी। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान हूँ, देखो मैं पार ही कर रहा था और ये ब्लैक वाला जो आया पतंग लेकर और काट के चला गया। अब यहाँ पे हमने दूसरी ठड्डा टूटी हुई पतंग अपनी पार कर ली है। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग ने, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ और एक बंदा ऊपर से आ रखा, देखो वो मेरे राइट हैंड साइड से उड़ा रहा है। ये मैंने पतंग काफ़ी ज़्यादा खड़ी कर दी थी, अब मैं उसके अंदर चलता हुआ, वो मेरी सद्दी काटने की सोच रहा। देखो वो एकदम मेरे हाथ के पास ले आया अपनी पतंग, मैं और अंदर गया, इसने मार, मैंने अंदर की दिखाई और अंदर की दिखा के मैंने पतंग जैसी रोकी उसकी पतंग वहीं कट के चले गई। तो देखो यहाँ पर हमने पहली पतंग काट दी है और हमारी पतंग भी देखो कितने बढ़िया चक्कर वक्कर ले रही है, बढ़िया है भाई पतंग। और काटते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दूसरा पेज आ गया, तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग ने, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग ने ऊपर से है और वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ से लड़ा रहा है। तो चलो ये वाला पेज भी लड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या होता है इस वाले पेज में। हमारा अपोनेंट काफ़ी तेजी में देखो अपनी पतंग छोटी कर रहा है, ये हमारा मुंह पकड़ता हुआ देखो वो, ये उसने मारा गद्दा, मैंने अंदर की दिखाई, वहीं पर ही उसने पतंग रोक ली थी, मैंने भी चक्कर डाल दी, उसने भी चक्कर डाल दिए।
देखो कट गया, उसकी पतंग देखो एकदम लटक गई थी। फिलहाल जो मेरी पतंग के चक्कर थे ना वो बाहर के थे, लेकिन तब भी मैंने पेज इसलिए काट दिया क्योंकि हमारे अपोनेंट की पतंग एकदम नीचे लटकी हुई थी और वहाँ पे उसे बिल्कुल हवा नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे हमने देखो ये वाला पेज भी काट दिया, ये हमारी पतंग रही। ये आ गया हमारा देखो तीसरा पेज, रेड सर्कल के अंदर हमारी पतंग रही जो आपको सामने दिख रही होगी, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही, वो ऊपर से आ रखा है और वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा रहा है। अब पतंग देखो अंदर बाहर करके वो अपनी डोर टाइट कर रहा है वो बंदा पूरी। ये मारे से मैं अंदर की दिखा रहा था लेकिन भाई मैं लेट हो गया, उसने काफ़ी तगड़ा गद्दा रखा था और हम थोड़े से लेट हो गए टाइमिंग में, और ये हमारी पतंग कट के जा रही है। देखो तो टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है पतंगबाजी में। यहाँ पे देखो मैंने दूसरी पतंग पार्क कर ली है, तो रेड सर्कल की मेरी पतंग मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ और ब्लू सर्कल की हमारे अपोनेंट की पतंग वो ऊपर से आ रखा है। ये उसने गद्दा मारे, मैंने बाहर का निकलता पट मारा था और ये पतंग मैंने काट दी थी और मेरे हाथ से भी डोर छूट गई थी, तो मैंने डोर भी पकड़ी अपनी जल्दी से। तो देखो यहाँ पे हमने उसने क्या करता, उसने सीधा गद्दा मारा तो मैंने बाहर का निकलता पट मारा और वहीं पर ही उसकी डोर टच हुई और ये वाला पेज हमने काट दिया। एक और पेज यहाँ पे लड़ता हुआ देखो, ये दो बंदे लड़ा रहे हैं, एक बंदा वही है जिसने मेरी पतंग काटी थी, उसकी पतंग ऊपर से ही रही देखो मुट्ठीदार वाली, और एक बंदा नीचे लड़ा रहा उसकी पतंग ब्लैक कलर की रही। अब जो ये ऊपर वाला बंदा है ना, ये काफी तगड़े तगड़े गद्दे मार रहा है एकदम डोर टच करके, तो इस वाले पेज में देखो क्या होता है, देखने इसका गद्दा काम आता है या कि नहीं आता है। देखो डोर कैसे मिला रहा हूँ एकदम पतंग की, चक्कर दे रहा अंदर बाहर करके, एकदम डोर टाइट रखे पड़ा है ऊपर वाला। नीचे वाला भी काफ़ी समझदार है देखो, वो भी अपनी डोर टाइट रख के चल रहा है। ये मारा इसने लेकिन भाई अब की यार उसकी पतंग अंदर की आ गई और नीचे वाले ने वहीं फ़ायदा उठा के थपथपा दी पतंग को, तो पेज काट दिया। अब देखो दोस्तों ये पेज जहाँ तक है आज का लास्ट पेज होगा क्योंकि अब शाम भी हो गई, आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, सब लोग अपनी अपनी पतंगें उतार रहे हैं, बस एक पतंग ही लड़ाने वाला बचा है। तो चलो इस तरह आते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि ये वाले पेज में क्या होता है। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग में ऊपर चढ़ा रहा हूँ और ब्लू सर्कल के हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से आ रखा है और वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा रहा है। लेकिन एक दिक्कत मुझे ये होती है ना ये सामने पेड़ उड़ाने में, कि देखो सामने पेड़ आ जाता है और मैं पतंग ज़्यादा नीचे पटक नहीं पाता हूँ। तो आखिरी पेज है, देखते हैं क्या होता है। अब देखो वो भी काफ़ी पतंग अपनी चला रहा है, मज़े ले रहा है, आखिरी पेज है तो हम भी मज़े लेके लड़ा रहे हैं। हम भी देखो पतंग चलाते हुए खूब पतंग इधर उधर नचा रहे हैं। ये देखो कैसे भाई वो पतंग चला रहा है अंदर बाहर। चल भाई अब बहुत हुआ, चल फैसला हो जाए वाले पेज का। ये थोड़ा मैं मुंह की तरफ गया था, उसने अपनी पतंग बचाई। पटकी 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 देखो मैं थपकी उसे नीचे, पटकी मारा गद्दा और देखो गद्दा मार गया, ने पतंग तो काट दी थी लेकिन जिसका मुझे डर था वही हुआ, मेरी पतंग आगे घरों में फंस गई। तो पेज हमने काट दिया था लेकिन हमारी पतंग ये वाली चले गई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।